नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी आलाकमान ने निर्देश दिए हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाए। इससे पहले बीजेपी ने प्रदेश भर में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया। कार्य समिति में ये साफ किया गया कि सेवा कार्य से ही उत्तर प्रदेश उत्तम और अग्रणी प्रदेश बन सकता है। लखनऊ में हुई बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर और घर घर संपर्क करते हुए पार्टी की योजनाओं विचारधाराओं से अवगत कराते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। बंसल ने इस दौर के दौरान कहा कि जनसंघ की शुरुआत कभी 5 सदस्यों की टीम के साथ हुई थी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी इकाई बन गई है। तो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, जितने भी दिग्गज हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाराबंकी में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे ने सभी को दहला दिया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 3 दर्जन के करीब श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा देवा थाना क्षेत्र के बद्रुद्दीन गांव के पास हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सीतापुर जिले से बाराबंकी के मंजीठा में स्थित नाग देवता के मंदिर जा रही थी, लेकिन बीच में ही ये सड़क हादसा हो गया और यहां पर कईयों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक पलट गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। करीब 36 लोग घायल हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर है। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ ही सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची, सभी को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के मामले में राजनीति गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र ने राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अब तक इस तरह की मौत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों का फिर से ऑडिट करेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है या नहीं। सिंहदेव ने कहा है कि हम पहले से ही COVID-19 से संबंधित मौतों को ऑडिट कर रहे हैं। यदि कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है, तब हम फिर से इसे ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेंगे। सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में या बाहर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडिट का विस्तार भी लगातार किया जा रहा है। पारदर्शिता लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का मूल है और हम पारदर्शिता का पालन करेंगे। केंद्र संसद में कह रहा है कि राज्य ने उन्हें बताया नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही संसद में हंगामा छिड़ गया था, जहां पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से सेकंड में यानी कि दूसरी लहर में कोरोना की कोई मौत नहीं हुई है, जिसको लेकर विपक्ष अब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहा है और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से हमें कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था कि उन्हें ये ऑडिट करना है कि कितनी मौतें जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, लेकिन केंद्र इसका हवाला दे रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही हमें ऐसे करने के लिए कहा गया था। इस तरह की बयानबाजी पिछले 4 से 5 दिनों में देश में लगातार देखी जा रही है। देश में एक बार फिर अलग अलग जगहों से वैक्सीन की कमी को लेकर खबरें आ रही हैं।
ऐसा ही एक खबर दार्जिलिंग की तकदाह ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई। यहां वैक्सीन लगवाने के लिए करीब 3000 लोगों की भीड़ पहुंच गई, जबकि पीएससी पर सिर्फ 800 डोज ही मौजूद थे। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ी। पीएससी पर मौजूदा डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ 1000 लोगों को वैक्सीन देने का ही लक्ष्य था, लेकिन जब 3000 लोग एक साथ आ गए तब दिक्कतें आनी शुरू हो गई। कोविड नियमों का उल्लंघन देखते हुए गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिंग शाखा के महासचिव संदीप लिंबू ने कहा कि प्रशासन और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से अपर्याप्त प्रबंधन का फलस्वरूप है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का टीकाकरण अपॉइंटमेंट वैक्सीन की संख्या देखकर की जाए। तो दार्जिलिंग का एक पूरा मामला है जहां पर 100 की संख्या में लोग एक एक हिसाब से पहुंचने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1000 वैक्सीन थी और 1000 वैक्सीन लगाने के लिए लोग 3000 की संख्या में पहुंच गए, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ी ही हैं। साथ ही साथ यहां पर कई आरोप प्रशासन पर भी लगाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे भीड़ को कम किया गया। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर व्यवस्थित चीजें थी, लेकिन सिर्फ 1000 लोगों के हिसाब से, लेकिन वहां पर लोग ज्यादा पहुंच गए। ऐसे में प्रशासन को ध्यान रखना था कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर इतनी ज्यादा भीड़ नजर आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मनकौट तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब पीआईए विमान की शक्ल का एक गुब्बारा खेतों में मिला। जैसे ही लोगों ने गुब्बारा देखा तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार करीब 9 बजे के आसपास नियंत्रण रेखा के नजदीक गाँव बलौनिया में मालिक मोहम्मद शरीफ के खेतों में पीआईए लिखा नीले और सफेद रंग का गुब्बारा देखा गया। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि गुब्बारा कहां से और कैसे यहां पहुंचा। हालांकि पुलिस को अभी तक इस मामले में सफलता हाथ नहीं लगी है। बता दें कि पुंछ जिले में 6 महीने में दूसरा मौका है जब इस तरह का गुब्बारा बरामद किया गया है। इससे पहले मनकोट तहसील के गांव में भी इसी तरह का गुब्बारा देखने को मिला था। इससे पहले जम्मू पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक और नापाक साजिश को नाकाम करते हुए एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन में 5 किलो आईडी अटैच किया गया था। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू में ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिरा सकता है। सूचना के आधार पर जम्मू पुलिस ने संदिग्ध इलाके में एक एम्बुश लगाया और रात करीब 1 बजे जैसे ही ड्रोन भारतीय सीमा में करीब पहुंचा तो वहां पर पेलोड गिराने लगा। उसी वक्त फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया गया। तो लगातार कभी ड्रोन कभी जो गुब्बारा है वो देखने के लिए मिलता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तरीके से, लेकिन उनको पुरजोर जो जवाब है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। फिलहाल वो गुब्बारा कहाँ से आया था, कैसे था, इसका कोई पता नहीं लग पाया है, लेकिन जांच लगातार की जा रही है। नीले रंग का एक गुब्बारा था जो कि पूरी तरह से संदिग्ध बताया जा रहा है। वायरस के लगातार बदलते स्वरूप को देखते हुए भविष्य में टीके की अगली पीढ़ी की बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ये कहना एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उन्होंने कहा कि समय के साथ इम्यूनिटी में गिरावट होगी और ऐसे में लगता है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ सकती है। वायरस के नए स्वरूपों से लड़ने के लिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत होगी। उन्होंने साफ किया है कि बूस्टर डोज अगली पीढ़ी की दवा होगी। दूसरी पीढ़ी के ये टीके बेहतरीन इम्यूनिटी देंगे जो वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी और असरदार हो सकते हैं। इन बूस्टर खुराकों का परीक्षण चल रहा है। इस साल के आखिर तक बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, लेकिन ये तब होगा जब एक बार पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाए, उसके बाद ही बूस्टर डोज दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण चल रहा है। उम्मीद है कि सितंबर तक इसके नतीजे आ जाएंगे। गुलेरिया आगे कहते हैं कि सितंबर तक बच्चों के लिए टीके आ जाएंगे, उसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। यानी अब ये साफ है
कि जब तक बच्चों के लिए टीका नहीं आएगा तब तक स्कूल खोलने पर सरकारें विचार नहीं करेंगी। हालांकि राज्य सरकारें तो विचार कर रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से ऐसे कोई आदेश नजर नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना को लेकर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है इस वायरस के खिलाफ, क्योंकि लगातार वायरस जो है तमाम म्यूटेंट लेकर आ रहा है, इसके चेहरे हमेशा बदल रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट वेव की हम बात करें या सेकेंड वेव की बात करें या थर्ड वेव जो आने वाली है उसको लेकर हम चर्चा करें। फिलहाल जो डेल्टा वेरिएंट है वो भारत में काफी ज्यादा चर्चा में है और इसके मामले भी लगातार देखे जा रहे हैं, खासकर कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में ये मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लगातार जो बड़े डॉक्टर हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, लगातार सरकार को चेता भी रहे हैं और आने वाली जो समस्या है उसको लेकर पहले से ही यहाँ पर कई तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं, चाहे वो बूस्टर डोज को लेकर हो, चाहे वो स्कूल खोलने को लेकर हो, या फिर बच्चों पर जो कोवैक्सीन की जो ट्रायल है वो चल रही है उसको लेकर हो, क्योंकि आने वाले समय में अब बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, क्योंकि जो थर्ड वेव है वो बेहद खतरनाक हो सकती है और ये बच्चों के लिहाज से और भी ज्यादा खतरनाक होगी। बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में संशोधन की जानकारी को लेकर यह फैसला लिया गया है कि बाजारों में ढोल बजाकर आम लोगों को इस तरह के संशोधन की जानकारी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास विभाग की अधिसूचित नगर निकाय के कारण मतदाता सूची में संशोधन का निर्देश दिया है। इस संशोधन के तहत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मतदाता सूची में संशोधन के लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया। आयोग के सचिव की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि नगर निकाय क्षेत्र में शामिल किए गए मतदाताओं को जो पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे उनको पंचायत क्षेत्र के नियम अनुसार अलग करते हुए उन क्षेत्रों में प्रचार की व्यवस्था की जाए जिस जगह पर साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, वहां पर ढोल पीट कर मतदाता सूची में संशोधन संबंधी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आयोग ने कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो बाजार हैं, जो भीड़भाड़ वाली जगह है वहां पर ढोल पीट कर संशोधन में जो बदलाव किया गया है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये लोगों से अपील की जा रही है कि पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक बड़े तौर पर पंचायत चुनाव को बिहार में देखा जा रहा है। अभी 2020 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब पंचायत चुनाव में देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुलने पर संशय हो गया है। अब मंत्रियों की कमेटी स्कूल खुलने की तारीख पर निर्णय करेगी। सीएम गहलोत ने 5 मंत्रियों की समिति गठित की है। कल शिक्षा मंत्री डोटासरा ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान किया था, लेकिन इस फैसले का अभिभावकों ने पूरी तरह से विरोध कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने 5 मंत्रियों की एक समिति गठित की, उसमें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है। कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षण संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया गया था। अब यह समिति शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख के साथ ही गाइडलाइंस पर भी निर्णय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर गहन विचार कर इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए, इसलिए मंत्रियों की समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों ICMR और शिक्षण संस्थान खोल चुके दूसरे राज्यों से संपर्क कर उसके अनुभव और फीडबैक पर भी चर्चा होगी। यानी ये कहा जा सकता है कि अब राज्यों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि अगस्त में स्कूल खोले जाएं, लेकिन जो अभिभावक हैं वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो लगातार कह चुके हैं कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकती है, इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए हैं कि अगर वो स्कूल जाते हैं तो वो ज्यादा संख्या में संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उनके सामने उनके बच्चे नहीं रहेंगे तो उनकी देखभाल कैसे हो रही है इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो पहले पेरेंट्स को विश्वास में लाना जरूरी है, तभी स्कूल खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि पिछली बार जब
फर्स्ट वेव आई थी तो स्कूल खोले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड वेव के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे। लेकिन कई जगहों से जो पूरी तैयारियां थी वो सही नहीं मिली थी, जिसके बाद कई शिकायतें पेरेंट्स की तरफ से सरकार को भेजी गई थी। ऐसे में अभी कोई भी ऐसा मौका सरकार नहीं छोड़ना चाहती कि अभिभावक उनसे सवाल करें, उनसे पूछें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी है कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश में 11 राज्य से आने वाले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखनी होगी। आज से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। यूपी में आने के लिए 11 राज्य के लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये कम से कम 4 दिन पुरानी होनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दोबारा न बढ़े इसलिए सख्त उपाय किए जा रहे हैं। जिन राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है उनमें महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। सभी हवाई अड्डे, रेलवे और बस स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी। ऐसे 11 राज्य जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां से आने वाले यात्रियों को कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर टीके की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इन दोनों में से कोई एक अभिलेख दिखाने पर ही उन्हें यूपी में आने की इजाजत होगी। पिछले 4 दिनों में कराई गई कोरोना की जांच रिपोर्ट ही मान्य होगी। तो उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले को कई राज्यों ने अपने राज्यों में लागू किया है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, अगर बात की जाए 2020 की और 2021 की, तो योगी मॉडल जिस तरह से कोरोना काल में निकलकर आया उसकी जमकर तारीफ हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर WHO ने इस मॉडल की तारीफ की। ऐसे में योगी सरकार नहीं चाहती कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसका बुरा प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिले, क्योंकि सेकेंड वेव में कई तरह की तस्वीरें कई जिलों से सामने आई थी जो कि भयावह थी। तो ऐसे में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अगर कुछ राज्यों से, उस राज्यों के नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन जहां पर 3% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, अगर उन राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो उन्हें आरटीपीसीआर दिखाना होगा और ये 4 दिन पहले का होना चाहिए। इसके साथ ही अगर वो डोजेस ले चुके हैं वैक्सीन के तो दोनों डोज के प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, तभी आपको उत्तर प्रदेश में एंट्री मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर पूरी तरह से चौकसी लगातार प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। नौसेना ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अपने प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्र को ड्रोन और मानव रहित वायु वाहनों आदि के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर हमले और भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास इस तरह की चीजें देखने जाने के सिलसिले में यह कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में नौसेना के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना के सभी प्रतिष्ठानों, क्षेत्रों, नौसेना संपत्तियों के 3 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। हालांकि ये कितने समय तक रहेगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल ये नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों या नागरिकों, एजेंसियों को इस तरह के गैर परंपरागत वायु सामग्री, ड्रोन और यूएवी को इन क्षेत्रों में उड़ाने पर प्रतिबंध है। कोलकाता में रक्षा विभाग के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर M.K. हुडा ने कहा है कि सिविल एजेंसी निजी इकाइयां हैं जिसमें राज्य या केंद्र सरकार की एजेंसियां शामिल नहीं है। बता दें कि हाल ही में जम्मू पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक और नापाक साजिश को नाकाम करते हुए एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन में 15 किलो IED लगी हुई थी। वहीं पिछले दिनों सेना ने कई ड्रोनों को मार गिराया है। इन ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार, बम आदि चीजें भारतीय क्षेत्र में भेजी जा रही है। हालांकि सेना इन ड्रोन को लेकर सक्रिय बनी हुई है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बेहद करीब है। ऐसे में हर साल तमाम तैयारियां देश में होती हैं, लेकिन आतंकी संगठन जो है अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आते। ऐसे में वो देश को डराने की, देश को दहलाने की साजिश रचते रहते हैं। इसी वजह से अभी फिलहाल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, जहां पर कई ड्रोन देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ड्रोन जो बम भी ला सकते हैं, हथियार भी ला सकते हैं और नजर सीमा पर बनाकर रखते हैं। ऐसे में जम्मू पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इसके साथ साथ जो सुरक्षा बल हैं, एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं और पश्चिम बंगाल में इसकी वानगी अब देखने को मिल रही है। दरअसल अपने प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों को
ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूएवी के लिए नौसेना ने नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है, यानी कि ना तो आप वहां पर ड्रोन उड़ा सकते हैं, और अगर आसपास ऐसा कुछ होता है तो आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दिसंबर 2021 तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोरोना के बदलते स्वरूप के चलते वैक्सीनेशन की कोई तय सीमा देना अभी ठीक नहीं होगा। दरअसल विपक्ष लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लिखित सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच 135 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। ये पहली बार होगा जब सरकार ने माना है कि टीकाकरण को लेकर कोई समय सीमा नहीं है। इस साल से अंत हालांकि सरकार की कोशिश होगी, यानी कहा जा सकता है कि ये जो साल है यानी कि 2021, इसके अंत तक सरकार ये कोशिश कर रही है कि 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीन की डोज मिल जाए। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। वहीं ये भी साफ किया कि वैक्सीन कंपनियों से एग्रीमेंट समय पर किए गए हैं और इसके लिए एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी है। साथ ही अब करोड़ों रुपए टीकाकरण पर खर्च किए जा चुके हैं। देश में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत नियमों के मुताबिक अब तक 4 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दे दी गई है। ये वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की स्पुतनिक वी और सीप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन की आयात और मार्केटिंग की मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं कुछ और वैक्सीन अनुमति के लिए CDSCO के पास अभी भी है, लेकिन उन्हें अप्रूवल अभी नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में COVID-19 के एक टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने के इंतजार में खड़ी महिलाओं के दो समूहों के बीच जमकर मारपिटाई हो गई। बता दें कि बिना मास्क के टीका लगवाने के लिए कतार में खड़ी और बाद में आपस में लड़ाई करती महिलाओं के दो समूह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर कसरावा तहसील के खल बुजुर्ग गाँव के टीकाकरण केंद्र पर गुरुवार को एक घटना हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में केंद्र में टीके के लिए महिलाओं को बिना मास्क के कतार में खड़ा देखा जा सकता है। वीडियो में एक महिला दूसरी महिला को धक्का देते हुए दिखाई दे रही, हालांकि ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। इसके बाद महिलाओं के दो समूह एक दूसरे के बाल खींचते हुए और जमकर मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसमें एक पुरुष भी लड़ाई में लगी दो महिलाओं को अलग करने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन महिलाएं नहीं मानती है। वहीं खरगोन जिले के टीकाकरण अधिकारी संजय भट्ट ने कहा है कि केंद्र में 500 से ज्यादा महिलाएं टीका लगवाने आई थी, जबकि केंद्र में केवल 200 टीके उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए जितने लोगों को स्लॉट आवंटित किए गए हैं उनके टीके थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में टीकों की कोई कमी नहीं है। देखिए, टीकाकरण को लेकर मारपिटाई की तस्वीरें अब सामने आने लगी है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त जो डोजेज हैं वो राज्य सरकार को दे दी गई हैं, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में डोजेज नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया कि महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर सिर्फ 200 डोज थी, लेकिन संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से डोज को लेकर यहाँ पर मारपिटाई की तस्वीरें सामने आई। कोरोना वायरस महामारी के पहले 14 महीनों के दौरान भारत के 1,19,000 बच्चों समेत 21 देशों में 15 लाख से अधिक बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया जो उनकी देखभाल करते थे। NIDA और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के अध्ययन में कहा गया कि भारत में 25,500 बच्चों ने COVID-19 के कारण अपनी माँ को खो दिया है, जबकि 90,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने पिता को और 12 बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया। इस अध्ययन के आंकलन के अनुसार दुनिया भर में 11,34,000 बच्चों ने अपने माता पिता या संरक्षकों को COVID-19 के कारण खो दिया। इसमें से 10,42,000 बच्चों ने अपनी माँ पिता या दोनों को खो दिया है। ज्यादातर बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को गवाया है। AIHA ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा है कि कुल मिलाकर 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने माता पिता में से कम एक या देखभाल करने वाले लोगों में से किसी एक को अपने साथ रह रहे बुजुर्ग रिश्तेदारों को खो दिया। इसमें कहा गया है कि जिन देशों में सबसे ज्यादा बच्चों ने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खोया है उसमें दक्षिण अफ्रीका, पेरू, अमेरिका, भारत, ब्राजील और मैक्सिको शामिल है। देखभाल करने वाले प्राथमिक लोगों में कोविड के कारण मौत की दर वाले देशों में पेरू, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, अमेरिका, अर्जेंटीना और रूस
शामिल है। यानी कि अब ये पूरा आंकड़ा निकाला गया है वैश्विक स्तर पर कि कोरोना काल में कई ऐसे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया या फिर माता या पिता में से किसी एक को खो दिया है। ये पूरा सर्वे किया गया, तो जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी आगे क्या फ्यूचर होगा, आगे क्या तैयारियां हैं सरकार की उनको लेकर, ये सारी बातें की गई हैं। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना वायरस से अब ठीक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ऋषभ पंत ने आइसोलेशन पीरियड पूरा कर लिया है और वो डरहम में भारतीय टेस्ट टीम के साथ जुड़ गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऋषभ पंत के टीम में जुड़ने पर ट्वीट भी कर रहे हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर कहा, हेलो पंत, आपको टीम में वापस पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। बीसीसीआई ने 15 जुलाई को घोषणा की थी कि पंत और प्रशिक्षण सहायक दयानंद गरानी दोनों ने कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। बोर्ड ने कहा कि युवा विकेटकीपर घोषणा के समय पहले से ही आइसोलेशन में ही थे और तब तक अपने आइसोलेशन पीरियड के 8 दिन भी पूरे कर चुके थे। दौरे पर भारत के अन्य विकेटकीपर रदमान साहा, गेंदबाज कोच भारत अरुण और स्टैंड बॉय बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के साथ गरानी के संपर्क में होने के कारण अभी भी अलग थलग हैं। तीनों के 24 जुलाई को आइसोलेशन के बाहर आने की उम्मीद है। पंत और साहा दोनों की अनुपस्थिति में भारतीय टीम ने केएल राहुल को काउंटी सिलेक्ट 11 के लिए खिलाफ चल रहे अभ्यास मैच में विकेटकीपर के रूप में मैदान में उतारा था, लेकिन अब ऋषभ पंत वापसी कर सकते हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने भदोही में कहा है कि बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर सफल होकर दोबारा प्रदेश की बागडोर संभाल सकती है। कार्यकर्ता बूथ से लेकर सेक्टर स्तर को मजबूत करने के लिए कमर कस ले। राजभर शुक्रवार को भदोही जनपद के औराई ब्लॉक के अमितपट्टी गांव में जन जन से मिलकर समस्याएं सुन रहे थे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मिर्जापुर को रवाना हो गए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रमुख दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की दस्तक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगी है। केंद्र और प्रदेश में शासन सत्ता का सुख लेने वाली सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध का बोलबाला है, जिसे जन प्रतिनिधि सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। बसपा शासन में जल कल्याणकारी योजनाएं पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची थी, लेकिन खोखली घोषणाएं करने वाली सरकार में योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हत्या, लूट, छिनैती, दुष्कर्म से गरीबी, मजदूर, किसान और बेरोजगार परिवार पीड़ित हैं, जिन्हें न्याय मिलना संभव नहीं है। दबे कुचले लोगों की भलाई सिर्फ बसपा शासन में ही है, जिसकी ओर से हर वर्ग देख रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राजभर मिर्जापुर के लिए रवाना भी होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि 2022 को लेकर बसपा 2007 की तर्ज पर पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।